एक खबर दिखाओ, अखबारों की सुर्खियां नहीं बनी। एक खबर है, ये अखबार की सुर्खियां है, प्लीज प्ले करिएगा। ये देखिए, ये खबर देखी आपने वैभव जी? 34,000 करोड़ का बैंक घोटाला करने वाली DHFL कंपनी, आपकी सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला कैसे हो गया? नहीं, नहीं, हमारी सरकार के नीचे नहीं हुआ घोटाला। घोटाला तो कांग्रेस सरकार के टाइम हुआ था, UPA 1 और UPA 2 में। हमने तो इसको पकड़ा है, घोटाला कैसे हो गया ये? नहीं नहीं, हमने तो इन्वेस्टिगेट करके पकड़ा है इसको। ये आपने इन्वेस्टिगेट किया? ये तो कोई दो राय नहीं है। ये आरोप लग रहा है, चंदा दिया क्या इन्होंने आपको? पता नहीं, मेरे को आपको नहीं मालूम। दोबारा से प्ले करिए। ये अखबारों की सुर्खियां में बता रहे हैं कि ये DHFL ने आपको 27 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, ये अखबारों में छपा हुआ है। हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैंने अपने चंदे की लिस्ट नहीं देखी है, मुझे पता नहीं है, हो सकता है दिया हो। ये बहुत सारे लोग देते हैं वो लोग जो हमारी पार्टी को चंदा देते हैं, जनता के लिए अच्छा काम करने के लिए, पार्टी चलाने के लिए डोनेशन देते हैं, उनमें से 10 लोग और आ गए स्कैम में, तो इसका मतलब ये क्या? इसकी ईडी जांच करेगी, सीबीआई इसकी जांच करेगी? आपको कुछ लोग चंदा अपने पाप धोने के लिए भी देते हैं, तो ताकि वो देश के लिए तो कुछ काम करे, उनका जो काला पैसा है वो चंदा ले लेते हो आप ही के मुताबिक। सर मुझे मालूम नहीं है कि चंदा दिया या नहीं, नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं मेरे को तो मेरे पास तो एक ही चैनल से आता है, या तो बॉन्ड होते हैं ना, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अब वो RBI जाने, वो बाकी प्रोसीजर जाने की वो चंदा किस तरह। आप ये कह रहे थे कि आपने ऑडिट करवाया तब पता चला। मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूँ। तथ्य ये है कि पीएम आवास योजना का ऑडिट में ये खुलासा नहीं हुआ, जो आप कह रहे ना कि ये पीएम ये हम लोगों ने ऑडिट कराया तब पता चला। नहीं, ये पता चला ऑडिट नहीं कराया, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट कराया। इन्वेस्टिगेट बता रहा हूं सर, किसने करवाया मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं गलत हूं उसको करेक्ट कर देना। पीएम आवास योजना ने इसे ऑडिट करवाया होता तो ये ऑडिट में आ जाता। ये यस बैंक के फॉरेंसिक ऑडिट हुआ और उसमें यह बात सामने आई कि यह घोटाला हुआ। संदिग्ध कंपनी पर आरोप है कि करीब 28 करोड़ का चंदा आपको दिया। मैं इसलिए यस बैंक ने एक मिनट बहुत बढ़िया, यस बैंक ने ये वडेरा की, ये प्रियंका वडेरा की कितने में खरीदी थी पेंटिंग, वो जरा हमारी मेमोरी को याद दिलाए ना। तो पता करिए ना, मैं तो कह रहा हूं आपसे करवाइए उनकी बीडी जांच। लेकिन एक बात नहीं तो हो रही है, मैं तो जांच तो हम करा रहे हैं सभी के पेट में, तो इसीलिए दर्द हो रहा है कि जांच हम करा रहे हैं। एक बात, RKW डेवलपर्स जो कि DHFL के स्वामित्व वाली कंपनी है, उसने 10 करोड़ रुपए, बाधवल ग्रोपर कैपिटल लिमिटेड 10 करोड़ रुपए, दर्शन डेवलपर 7.5 करोड़ रुपए, करीब 28 करोड़ रुपए ये बनते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिन्होंने आपको चंदा दिया ये उससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिसके ऊपर बैंक फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं। ये अखबारों की सुर्खियों में क्या बताओ, आप बताओ, कल को कांग्रेस कुछ एक डोनेशन दे देती है भाजपा को जाते जाते, तो वो अब कांग्रेस तो स्कैमों से लिप्त है भाई साहब, डोनेशन आ रही है सही चैनल से आ रही है, हमने अकाउंट करके डिक्लेयर किया हुआ है, तो अब हमें क्या पता पीछे कौन है भाई। तो आपकी नाक देश की सेवा से हो गया सर, आपकी नाक के नीचे कैसे हो गया सर? नहीं, हमारी नाक के नीचे नहीं हुआ है, ये पुरानी सरकार के नीचे नाक के नीचे हो रहा था, हमने तो उसको उजागर किया है। अच्छा, ये आपने उजागर किया, तभी ये सारी बातें खुल के सामने आई। अच्छा, तभी तो ये पता चला कि राणा कपूर ने कांग्रेस से कितने में पेंटिंग खरीदी थी। आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा बैंक फ्रॉड हो गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये बताया जा रहा है कि इतना सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है ये, चाहे तो आपको चला। अगर हमारी सरकार इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो आपको पता ही नहीं चलता। मैं उदाहरण देता हूं आपको, आपने कहा ना आपकी नाक के नीचे, तो मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं। जो बैंक फ्रॉड हुए उसमें ABG शिपयार्ड, DHFL, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये वो लोग हैं जो देश को चूना लगाकर आपकी नाक के नीचे से चले गए सर, देश छोड़कर चले गए आदेश। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। कहां है फिर वो विजय माल्या की फोटो दिखाकर मुझे कोई फोन करके कह रहा था ये विजय माल्या का, विजय माल्या मेहुल भाई, मेहुल भाई पिछले बात है, 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 वैभव जी नरेंद्र मोदी ने मेहुल भाई कहा था, मेहुल भाई कहा
कंप्लीट होगा।